हेलो गाइस, मैं हूँ लिपुन। आप देख रहे हो लिपुन ब्लॉग की और एक नया वीडियो में। आज मैं आर्टिका के अंदर हूँ, तो ये मेरा आर्टिका का आज एक्सटीरियर रिव्यू करूँगा पूरे डिटेल में। क्या क्या आपको एक्सटीरियर में क्या क्या चीज़ आपको मिल जाएगा, ये वाला आज का वीडियो एक्सटीरियर के बारे में है। तो आप देख सकते हो एक्सटीरियर, फ्रंट से आपको दिखाती हूँ। पहले फ्रंट से आप देख सकते हो एक्सटीरियर का आपको मिल जाता है, यहाँ पे क्रोम का फिटमेंट मिल जाता है एंड यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प एंड हेलोजन का बल्ब के साथ आती है। आपको इंडिकेटर आपको हेलोजन के साथ ही मिल जाता है देखने को। एंड नीचे फॉग लाइट है जो आफ्टर मार्केट मैंने लगाया था, क्योंकि ये VXI मॉडल है जो पेट्रोल का। देन आप साइड में देख सकते हो, साइड में ORVM में आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है यहाँ पे। एंड एलॉयज लगा हुआ है जो आफ्टर मार्केट ही मैंने लगाया था। देन साइड में कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल जाता है। ये कीलेस एंट्री वाला नहीं है, की वाला है, जो की लगा के आप अंदर जा सकते हो, बाहर भी आ सकते हो। आपको आपका आर्टिका का पहले की दिखा देती हूँ आपको। की कुछ इस टाइप का आ जाता है, लॉक एंड अनलॉक बॉटम के साथ आ जाती है। तो पहले देखो, मैंने लॉक किया तो ये सारे डोर आपको लॉक ही मिल जाता है। लेकिन अनलॉक एक बार किया तो सिर्फ ओनली फॉर ड्राइवर साइड को डोर ही अनलॉक होगा। ये देख सकते हो सिर्फ ड्राइवर साइड अनलॉक हुआ, लेकिन पैसेंजर साइड नहीं अनलॉक नहीं हुआ अब तक। लेकिन और एक बार अनलॉक करोगे तो सारे डोर ओपन हो जाता है। ये देख सकते हो यहाँ पे भी ओपन हो गया, पीछे की बोर्ड भी आपको ओपन हो जाता है। ये देखो, आप देख सकते हो बाहर से कुछ इस टाइप का आपको दिखने को मिल जाता है। पीछे वाला साइड में कुछ इस टाइप का आपको दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम का लोगो है, मारुति सुजुकी का बैजिंग है, यहाँ पे आर्टिका का बैजिंग है। तो पीछे आपको सेंसर दिखने को मिल जाता है, चार सेंसर। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे, यहाँ पे आपको चार सेंसर दिखने को मिल जाता है। और नीचे आपको रिफ्लेक्टर दिखने को मिल जाता है। एंड आपका जो स्पेयर टायर एक एक्स्ट्रा नीचे है, जो देख सकते हो आप, यहाँ नीचे है। देन पीछे साइड का लाइट कुछ इस टाइप का आपको दिखने को मिल जाता है। सिर्फ लाइट आपको यहाँ पे ही दिखने को मिलेगा, आपको ये सारे लुक के लिए है। यहाँ पे पेट्रोल के लिए आपको डाल सकते हो, फ्यूल के लिए। बारे में आपका जो आर्टिका में एंटीना वाला सिस्टम आती है, जो शार्प एंटीना नहीं है, वो सिंपल वाला वायर वाला एंटीना है, आपको दिखने को मिल जाएगा। ये थी आर्टिका की एक्सटीरियर की रिव्यू थी। जो आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं और एक नया वीडियो में, जो आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा जो आर्टिका की इंटीरियर के बारे में। ये आपको एक्सटीरियर का वीडियो था, जो मुझे आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं और एक नया वीडियो में।